शिवानी के मेन गेट पर खालसा मेडिकल हॉल पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस कारण मेडिकल हॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। ये पूरी घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये जो है 4/7/2021 को रात को 11:51 मिली थी। 11:51 पर हमारा स्टाफ जो है गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर मौका देखने पर पता लगा भी आग ज़्यादा है, इसलिए दूसरी गाड़ी भी वहाँ मंगाई गई। दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी भी वहाँ मंगाई गई, लेकिन 12:50 पर जो है गाड़ियाँ अपना वर्कआउट कर फ्रिश कर करके आग बुझा करके वापस स्टेशन पर आ गई। लेकिन आग का जो कारण बताया गया मालिक द्वारा वो शॉर्ट सर्किट बताया गया। इससे जो नुकसान हुआ था वो मौके पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था, वो बाद में मालिक ने बताया भी इसका नुकसान का जो आकलन है वो बाद में बताया जाएगा। और जो हमारे पास रिपोर्ट है वो गोजनाम से में दर्ज। रात को 12:45 के आसपास फ़ोन आया किसी बंदे का कि आपकी दुकान में आग लगी है। उसके 5-7 मिनट बाद में आए तो यहाँ आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे और तब उन्होंने आगे आग बुझाई है। तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था, दुकान के अंदर काफ़ी सामान खराब हो गया, जल गया और अंदाजे में 60-70 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बाकी गेट पे खालसा मेडिकल हॉल के नाम से दुकान है हमारी दवाइयों की और काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या कारण मानते हो आग लगने का? इसमें बिजली का मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से ये अंदाजा है, उसी से आग लगी। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। उन्हें आधी रात को इसकी सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई। दुकानदार ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।